आज हम बनाने वाले हैं ये हैंड पास, जो कि हमारा होगा ये तीन पॉकेट का, एक ये ऐसा सामने होगा और एक ये बीच का होगा, जिसमें हम मोबाइल या कुछ भी और बड़ा सामान रख सकते हैं। और एक हम ये पीछे एक पॉकेट दे देंगे, इसमें ये इसमें भी हम कॉइन वाइन छोटी मोटी चीज रख सकते हैं। ऐसे ही न्यू बैग की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक ये फ्लाप के लिए एक ये पट्टी लेंगे, इसका साइज होगा ऐसे में होगा 5 इंची, ऐसे में होगी 6.5 इंची। इसमें मैं पहले ही होल कर चुका हूँ, जिसमें हम ये हाईलाइट डालेंगे, ये वाली ये 12 इसमें डालेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे इस तरह से ऐसे ये 12 डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक है। ये 12 डाल चुका हूँ ऐसे, और ये इसको अब ये पीछे से देखो ये रहेगा, इसको ऐसे पलटाना रहता है ये इस तरीके से, ये चपटी हो जाएगी, ये ऐसी रहेगी एक पिन, इसे यहाँ से ऐसे हाथ से पलटाना रहेगा, ये ऐसी पूरी सबको कर लूंगा तो ये मजबूत हो जाएगी इसमें। ये होगी हमारी ये पीछे से ऐसी, और ये सामने से ये ऐसा रहेगा। अब इसको छुपाने के लिए एक और ले लेंगे, सेम यही साइज का रहेगा, जो ये साइज है 6.5 का एक ऐसा, इसको रख के इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। जो ये हमारा ये इसके पीछे का जो ये पल्ला रहेगा, इस पे हम एक वेलक्रो लगा लेंगे। मेरे पास फिलहाल बटन नहीं है, वो मैग्नेट बटन आती है जो, वो है नहीं, इसलिए मैं ये वेलक्रो का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे लगा लेंगे इसके बैक साइड, और इसे चारों तरफ से सिल लेंगे, ये इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा हो गया, इसमें वेलक्रो लग चुका है, ये देख सकते हैं ऐसा वेलक्रो लग गया है। अब इसको हम ये इस पल्ले पे इसके पीछे रखेंगे ऐसा, और इसमें भी चारों तरफ सिलाई कर देंगे, ये जो अभी हमारा खुला है यहाँ रख के इसको सिल देंगे यहाँ से लेंगे इसमें, और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ये कॉर्नर पे थोड़ा राउंड ले लेंगे, ये हमारा हो गया, यहाँ से इसको राउंड कर लेगी थोड़ा थोड़ा ऐसा, इधर भी कर लेगी से, ये देख सकते हो ऐसा राउंड रहेगा। पल्ले पे हम एक कवरिंग कर देंगे यहाँ पे ऐसा, ये जो खुला खुला दिख रहा है यहाँ पे, एक ये पट्टी लेंगे ऐसी पतली सी, इसको ये दोनों के बीच में रख के चारों इसके तीनों तरफ सिल देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सिल लेगी इसको तीनों तरफ इसमें, कौन पड़ेगी ये ले लेंगे एक बार इसमें, ये हमारा हो गया ऐसा देख सकते हैं। हमारा फ्लाप तैयार हो चुका है, जो कि ये हमारा है। अब हम एक
ये सामने के लिए एक पट्टी लेंगे जिसका साइज होगा ऐसे में होगा 9 इंची और ऐसे में होगा 5 इंची का। इसमें हम पहले एक 1.5 इंची की एक पट्टी निकाल लेंगे जो हमारा सामने का पॉकेट रहेगा। इसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से 1.5 इंची ऐसा गिन लेंगे और यहाँ से काट लेंगे इसको 1.5 इंची। ये देख सकते हो 1.5 इंची में यहाँ से निकाल रहा हूँ। कैंची से काट लूंगा। ये 1.5 इंची की ये पट्टी है और ये नीचे बच गया। अब इसमें हम एक चैन लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में ऐसे बीच में एक चैन रहेगी जो कि मेरे पास है। इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ एक चैन पट्टी लगा लेंगे। इसमें ये इसमें फोल्ड करके ये हमारे सामने पॉकेट के लिए रहेगा। ये एक साइड से लग गया ऐसे और इसके नीचे में अब ये वाला लगा देंगे। ये पोर्शन इसमें ये एक टेल लगा लेंगे फिर यहाँ लगाएंगे इसको। अब यहाँ सिल दिए ये हमारा हो गया सामने का तैयार। इसमें एक रंगर डाल लेंगे, यहाँ एक वेलप्रो जलेगा यहाँ लगेगा जिसमें ये चिपकेगा ये अलग काले वाला रखेंगे और इसमें चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे यहाँ पे रख के। ये हमारा हो गया, इसमें वेलक्रो सिल गया है। अब इसमें एक रनर डाल लेंगे यहाँ पे ये इसमें एक रनर डाल चुका है। ये हमारा सामने का भी हो गया। अब इसमें अब एक ऊपर चैन लगेगी। यहाँ पे चैन लगाने के लिए पहले हमको यहाँ पे चैन लेना पड़ेगा, फिर एक ये अस्तर रहेगा जो कि इससे थोड़ा आधा आधा इंची बड़ा होगा। जैसे इसका साइज होगा 9.5-5.5 का ऐसा। ये अस्तर इस साइड रखेंगे, फिर इस पे ये चैन रखेंगे ऐसी और यहाँ पे ये सिलाई कर लेंगे यहाँ से इसको रख के यहाँ से सीधी सीधी में। ये हमारी हो गई है, अस्तर सिल गया है। ये देखो ये सिलाई भी छुप गई, सिलाई ये अंदर है और ये अस्तर बाहर से आ गया है। और ये सामने से भी ये देख सकते हैं ये ऊपर से सिलाई। ऐसे ही पीछे का भी बना लेंगे। ये सामने का हमारा तैयार हो गया है। अब पीछे एक बना लेंगे, इसमें इसमें एक चैन लगा लेंगे यहाँ बीच में जिसके लिए हमको इसको चौरस काटना पड़ेगा। ये इसको चौरस इसमें चैन का साइज का काटने के लिए पहले हमको एक ऐसा आधा इसको हाफ फोल्ड करना पड़ेगा, फिर इसमें यहाँ से ऐसी कट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लगा देता हूँ मैं, ये देख सकते ये कट लगा दिया मैंने। ये इतना ऐसा कट गया है, इसको आप खोल लेंगे ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करेंगे यहाँ से भी इसमें कट यहाँ से और यहाँ से
ये देख सकते हैं, ये ऐसा, ये इसमें कट चुका है, ये ऐसा, ये कट लगेगा, ऐसा ही सेम इधर भी करेंगे। यहाँ से हम इसमें इस साइज की एक चेन काट लेंगे, इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लेंगे इसका, चेन का जितनी बड़ी है उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, ऐसा नाप के अंदाजे से काट लिया मैंने। अब इसमें एक रनर डाल लेंगे पहले ही, इस चेन में, और इसको यहाँ से ऐसे रख के इसमें सिलाई करेंगे, ऐसा रख लेंगे और सिलाई करेंगे इसमें। मैं दिखाता हूँ, ये पहले ले लेते हैं, ये चैन को यहाँ रखे और इसमें ये फोल्ड मारेंगे, इसमें जो हमने काटे थे यहाँ फोल्ड मार के इसको यहाँ से सिलाई चालू करेंगे इसमें। इसमें चैन सिल गई है, ये देख सकती है ऐसी, ये इधर से ये चैन सिल गई है इतनी ऐसा। अब हम यहाँ पे एक चैन लगा लेंगे इसमें ऊपर, इसके लिए हमको एक अस्तर लेना पड़ेगा पहले, जिसका साइज होगा ऐसे में 9.5 ऐसे में 5.5 का, इसको यहाँ रखेंगे और इस पे ये रखेंगे पहले उस पे, ये ऐसा, ये जो हमने सामने के लिए पल्ला सिले थे। फिर हम ये रख लेंगे, ये जो हमने सामने के लिए बनाए थे फ्लाप ऐसा, इसको ये सेंटर में रख लेंगे, अब हम ये बैक पल्ला इसको सिल लेंगे इस पे रख के, ये चैन है हमारी यहाँ पे, सीधा सीधा इसमें एक सिलाई मार देंगे। ये हमारा ऐसा हो गया, ये सामने के लिए ये है। अब यहाँ एक रनर डाल लेगी इसमें, हमारा रनर डल गया है, ये देख सकते हैं पीछे से ये ऐसा होगा, ये अस्तर लगे हुए दोनों, ये बीच की चेन है, इसको आप ये उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके ऐसा इसमें तीनों तरफ से सिलाई मार लेंगे ऐसा, इसमें इधर से ऐसा और ऐसी सिलाई मार लेंगे इसमें यहाँ रख के। अब हम तीनों तरफ सिलाई मार लेंगे, यहाँ से उठाएंगे, अब ये कॉर्नर पे राउंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, दोनों कॉर्नर से ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम पलटी कर लेंगे यहाँ से खोल के, इसको देखते हैं कैसा बना है।
आधा हिस्सा हो गया ये सामने से ये ऐसा हमारा तैयार हो गया है। फाइनली देख सकते हैं इसको ये खोलेंगे वेलक्रो ये सामने का पॉकेट इसमें ये बीच का रहेगा जिसमें हम मोबाइल वोबाइल कुछ भी रख सकते हैं और एक ये हमारा पीछे का रहेगा देख सकते हैं ये भी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। उम्मीद करें आपके सुझाव से वीडियो को और बेहतर बनाने की और साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।